Assalamu alaikum and welcome back to the channel once again. This is Sabar Hussain. You are watching I am Sabar. Okay, so aaj aapko new gaadi ka environment nazar aa raha hoga hai, sheeshe wagaira aur shapar jo chade hain nayi gaadi pe. Abhi hum ja rahe hain gaadi ka number lagwane ke liye. Bismillah. Subhanallah. तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी का नंबर लगवाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं और मैं इस पर चलान भी करवा चुका हूं. तो जो नंबर मैंने लगवाया वो मैंने बड़ा स्पेशल लगवाया, मेरे लिए स्पेशल है, आम आपके लिए स्पेशल नहीं होगा. जैसे कुछ लोगों को छोटे नंबर पसंद होते हैं 1, 2, 3 टाइप करके. मैंने जो नंबर लगवाया है वो जो हमारे गाँव का नंबर है जहाँ पे मेरे वालदैन दफन है, वो गाँव का नंबर मैंने लगवाया. क्या नंबर है वो गांव का, वो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा. मैंने वो गांव के पास जाके जो है उसकी शॉट बनाया था. खैर अभी मैं नंबर लगवाने जा रहा हूँ तो वो भी आपको पता चल जाएगा मैंने क्या नंबर लगवाया. तो बस अभी नंबर लगवाएंगे, उसके बाद ओके नंबर लगवाएंगे, उसके बाद गाड़ी वॉश करवाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे एक लॉन्ग टूर पे इस गाड़ी पे बड़े दिनों बाद. सो इट्स गोइंग टू बी अ फन. तो फिर आप साथ ही रहें. तो बस अभी मिलते हैं जाके नंबर वाले के पास. नंबर प्लेट बनाते हुए जो पहला स्टेप है वो कोरल ड्रा में नंबर डिजाइन करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नंबर प्लेट जो गवर्नमेंट की तरफ से वो तो पता नहीं कब मिलेगी. मेरे फ्रेंड हैं हसन, उनकी एलेंट्रा को 1 साल हो गया और उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से नंबर प्लेट आनी थी वो अभी तक नहीं आई. तो फिर अच्छा वाला काम करवाया मैंने और ये मुझे तकरीबन कोई 1700 इसने कॉस्ट किया था, जो अच्छी प्लेट थी और बिल्कुल गवर्नमेंट के नंबर प्लेट की कॉपी टाइप थी, जो इसमें नंबर जो है वो इंग्रेव्ड होता है. और याद आया हसन भाई की गाड़ी एलेंट्रा है, उसका भी रिव्यू जल्द हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे. स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें. राइट, नंबर लग गया, फ्यूल करवाना है और गाड़ी पे वॉश भी करवानी है. देखते हैं, चलो फ्यूल तो करवाते हैं. बैगों को भी पिक करना है, बहुत काम है अभी करने वाले, निकलते हैं बस जल्दी जल्दी गांव के लिए. प्लान आज का यही है कि हम नंबर लगवाया मैंने गांव का तो 1 महीना हो गया था गाँव से आए भी. सो जस्ट प्लानिंग, जाते हैं गाँव, कब्रिस्तान जाएँगे अम्मी अबू के पास, गाड़ी दिखाते हैं उनको, गाड़ी दिखाई नहीं थी तो बस अब हर एक मौके पे उनको मिस किया जाएगा. गमी भी तो करता ही है इंसान, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस जो है खुशियों पे करता है, कि जो मोमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के प्राउड होने के, उन मोमेंट्स पे सबसे ज़्यादा बंदा मिस करता है उनको. आवाज़ आ रही है फ्यूल के जाने की गाड़ी में, कर कार वॉश इज़ डन. मैं नहीं गया था, मैं इतनी देर नाश्ता कर रहा था. कार वॉश इज़ डन, अभी फ्यूल भी हो गया, कार वॉश भी हो गई. गोगो इज़ गेटिंग रेडी, गोगो आती है तो फिर भाई को पिक करेंगे, रिंग रोड से जाएंगे आशियाना, भाई को पिक करेंगे और वहाँ से फिर मोटरवे चढ़ना है तो ठोकर जाना पड़ेगा सिटी के अंदर से. तो ठोकर ने आज वेग से मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ हुआ. तो जब जा रहा था गाँव में इस न्यू गाड़ी में, तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे, लाइक होती है जब भी मैं एक टूर स्टार्ट करता हूँ कहीं भी जाना हो, तो जो एक ड्राइविंग प्लेयर होता है ना वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली इस तरह लॉन्ग ड्राइव्स पे. नई गाड़ी पे स्पेशली जब आप जाएं, और उसका तो एक जो वो लस्ट है वो तो एक अलग लेवल पर होती है ना, कि आप इंजॉय कर रहे हैं न्यू गाड़ी अपनी फैमिली के साथ. तो नॉर्मली एक टूर जैसे स्टार्ट होता है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, फैमिली भी मेरे साथ ही बिल्कुल फ्रेश.
ऑलराइट, अभी हमने स्टे किया है दूसरे स्टे एरिया पे व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स मुल्तान मोटरवे। तो पीर मेल वाले पे जाके हम एग्ज़िट करेंगे गांव के लिए। तकरीबन 2 बजे हम मोटरवे पे थे और 4:45 हो गए, आधा घंटा मेरे हो चुका है स्टे करते हुए। तो बस अब निकलते हैं आगे की तरफ। मुल्तान मोटरवे मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है, इस पर एक तो ट्रैफिक कम होती है, दूसरा इस तरह से बिल्ड की गई है कि आपकी जो विज़न है वो बहुत क्लियर होती है, आप दूर तक देख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये खाली होती है, स्पेशली इस तरह फॉगी वेदर में। फॉग तो नहीं, खैर स्मॉग थी, लेकिन जो सनसेट था, मुझे सनसेट तो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं कहीं भी हो। तो इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे आपकी फेवरेट रोड पर आपको सनसेट मिले, सनसेट भी ऐसा जो आपकी आंखों में नहीं पड़ रहा, मुझे याद। और इस तरह बहुत ही मज़ेदार ड्राइव के बाद मोटरवे से हमने एग्ज़िट किया रजाना से, जो कि टोपाटेक्सिंग के लिए है। पीरमल से हमने एग्ज़िट नहीं लिया, वहाँ से गाँव थोड़ा नज़दीक है, लेकिन टोपाटेक्सिंग शहर से कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, इसलिए हमने रजाना से एग्ज़िट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ूबसूरत सनसेट इस तरह के फॉगी वेदर में, बहुत ही एक जैसे कहते ना कि जो ड्राइविंग प्लेजर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कम्प्लीट हुआ था। लेकिन जैसे ही हम गांव के पास जा रहे थे, मेरा दिल उदास 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 होना शुरू हो गया था। मॉर्निंग फ्रॉम द विलेज। सुबह सुबह बहुत धूम है और ये सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले। कल शाम को हम गांव पहुंचे थे लेट नाइट, बैटरी ख़त्म हो गई थी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान, इतनी धुंध में अर्ली इन द मॉर्निंग बाय वॉक, फिर इसके बाद आज देखते क्या होगा। आई वॉज सो ओवरवेलम्ड, मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था ना सुबह जब मैं गया था कब्रिस्तान तब। बस इट्स जस्ट अ फीलिंग यू कैन अंडरस्टैंड, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको खुद, आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और हमें सब्र पर रहने की तौफीक हिम्मत हौसला दे। Bye.